एक बात जान लीजिए आप लोग कि अगर कोई एग्जाम देते हैं आप लोग, उसका समय से रिजल्ट आ जाता है और कोर्ट मामला नहीं जाता है कोर्ट में कहीं भी, तो इतना समझिए आप लोग कि करोड़पति जो कौन बनेगा करोड़पति में, जीतने से एक कम नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आपने देखा है कि कम से कब से आपके एमपी एग्जाम फंसे हुए हैं, जो भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब होती है। खैर छोड़िए, अभी फिलहाल आपके लिए एक उम्मीद तो जाग गई है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल जो भी होते हैं उसका फॉर्म आ चुका है। आप लोग भर दीजिए जिसे भी भरना है, और अच्छे से पढ़िए और देखते रहिए, और हो जाएगा, और देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि ओबीसी का मामला आपने देखा है कोर्ट में लंबित है, पड़ा हुआ है एक तरह से विचार के लिए, तो उस पर क्या होता है आने वाले समय में मालूम चलेगा। लेकिन आप लोग पेपर को अच्छे से दीजिएगा, ठीक है? और सबसे पहले दो ही काम करना है आपको, एक तो अपनी जो भी टेबल है, जहां भी टेबल ना हो, मैं तो कहता हूं बेड है, बेड ना है, जमीन है, जहां भी है, सामने अपने क्वेश्चंस पेपर रखिए, पुराने क्वेश्चंस पेपर जो भी है, और दूसरा आपका पाठ्यक्रम सिलेबस उसे भी रखिए अपने सामने, ठीक है? और याद रखिए, पहले क्या करिए, शुरू में आप लोग पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए पहली बार, दूसरी बार आप लोग रिविजन करिए, इस तरह से करते रहिए। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री यहाँ से पढ़ ली, हिस्ट्री वहां से पढ़ ली, हिस्ट्री तीसरी जगह से पढ़ ली और बाकी सब्जेक्ट आपने छोड़ दिए, तो बाकी सब्जेक्टों का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि हिस्ट्री का है। इसलिए सभी सब्जेक्टों को लेकर चलिए आप लोग, और पहले सबसे पहले तो यही करिए कि पहले सिलेबस को यानी कि पाठ्यक्रम को पूरा करने की कोशिश कीजिए हर संभव। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को आप मजबूत कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ दे रहे हैं। तो सबसे पहले यही काम करिए, और एक आप लोग नोट्स बनाते रहिए और सबसे पहले पूरा कवर कर लीजिए, उसके बाद जो आपको करना है करते रहना। आपने देखा होगा 2020 के लिए आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि की बात करें तो 31/12 यानी कि दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 31/12/2020 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि की बात करें, एंड कब है इसका फॉर्म भरने का, 14/1/2021 यानी कि आपका जनवरी 14 जनवरी तक है, मकर संक्रांति के लगभग, ठीक है? और याद रखिए, काफी अच्छी बात है कि नए साल में आपको पेपर देने का मौका मिल रहा है, 2020 तो वैसे ही गुजर चुका है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि की बात करें तो 31/12/2020 है। कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, पहले तो यही याद रखिए कि उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बड़े सोच विचार करके भरा करिएगा फॉर्म, ठीक है? दो चार चार बार आप लोग चेक करिए लिया करिएगा, अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है धोखे से, तो उसे सुधार करने की प्रारंभिक तिथि कब से है, 31/12/2020 से, यानी कि जिस दिन से फॉर्म भरेंगे उसी दिन से आप लोग सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 19/1/2021 यानी कि 19 जनवरी 2021 तक आप लोग संशोधन कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम उसमें आई हुई है। परीक्षा दिनांक की बात करें, दिन की, तो आप देखेंगे कि इसकी डेट दी गई है अभी 6 मार्च 2020 से, ठीक है? अब देखते हैं कि समय समय पर अगर इसमें संशोधन होता है, लेकिन फॉर्म भर जाएगा तो इतना तो क्लियर है कि पेपर होगा आपका, ठीक है? इसमें आप बात करें तो एक सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे तो उनके लिए 2 प्रश्न पत्र के लिए 700 रुपये फीस रखी गई है, और इसमें विभागीय शुल्क 2,100 रुपये और कुल मिलाकर 800 रुपये की बात की गई है। एक प्रश्न पत्र के लिए 500 रुपये है और 100 रुपये इसमें शुल्क हो गई, कुल मिलाकर 600 रुपये रखी गई है। याद रखिए, आप समझिए कि आपने एमपीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या कोई और एग्जाम हो आपका, उसमें 2 पेपर रखे जाए। एक पेपर इसलिए रखा जाए कि आप इससे इस फील्ड में जाते हैं, और अगर दूसरा पेपर जाते हैं तो आपको और कोई अच्छा पद मिल सकता है, तो इस तरह से 2 पेपर कराए जाएंगे। कोई रेडियो है उसमें भी, उसमें अगर आपको चयनित होना है तो 2 पेपर देने होंगे, वरना 1 पेपर, ठीक है? फिर उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन यानी कि जो विकलांग होते हैं, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, इसमें आपको 2 प्रश्न पत्र के लिए 350 रुपये और 50 रुपये विभागीय शुल्क, कुल मिलाकर 400 रुपये। अगर एक प्रश्न पत्र की बात करें तो 250 और 50 रुपये विभागीय शुल्क, 300 कुल मिला के होगा, ठीक है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, ओबीसी वर्ग और जो विकलांग है उनके लिए, केवल मध्य प्रदेश के मूल के निवासी हैं, जो मध्य प्रदेश से बाहर के लोग हैं उन्हें सामान्य वर्ग की जो फीस होगी उसी के हिसाब से रखा जाएगा। अगर आप कहीं भरवाने के लिए जाते हैं तो इसके ऑनलाइन भरने के वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 2,100 रुपये देना होगा आपको। इसके अतिरिक्त आपको रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉग इन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये दे होगा। आपके पास जिस तरह से सुविधा हो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? याद रखिए, और याद रखिए, कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आपको जानना है कहीं से भी तो आप मेन साइट पर जाया करिएगा, एमपी पीई भी हो गया, आपको एसएससी का जानना है एसएससी पर जाइए,
या एमपीपीएससी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करनी, एमपीपीएससी पर जाइए, यूपीएससी के बारे में, तो इसके बारे में इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये समय वो हो चुका है, अगर आपके पास इंटरनेट सुविधा है, मोबाइल है एक अच्छा सा, तो मुझे नहीं लगता है कि तैयारी के लिए आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने की आवश्यकता है। आजकल तो ये देखा जा रहा है कि जो शहरों में जा रहे हैं, फिर चाहे आपका एमपीपीएससी या फिर आप देखेंगे भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर, सागर, उज्जैन, इनको छोड़कर गांव वाले अच्छा बेहतर स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अब जो वहां जाएगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा, अगर आप घर बैठते हैं, अच्छा आपका डिसीजन होता है और रणनीति अच्छी बनाते हैं आप लोग, तो घर से भी आप लोग पेपर आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आगे हम लोग बात करते हैं। अगर आपका 6 मार्च को पेपर होता है तो प्रथम पाली जो होगी ये होगी अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग समय होगा 7 सुबह 7 से 8 बजे तक आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9:50 तक रहेगा। 10 मिनट आप लोग उस पेपर को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या है। लेकिन आप लोगों जो पेपर सॉल्व करते हैं उसका समय है 9 सुबह 9 से 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। ठीक है, 2 घंटे का बहुत समय है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। द्वितीय पाली की बात करेंगे हम लोग तो 1 से 2 बजे का समय इसमें आपको उपस्थित होना होगा वहां, और इसमें आपको 2:50 से 3 तक आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। एक तरह से पेपर पढ़ते रहे, क्या सही है आपका पेपर खोल के देख लिया करिएगा कि ऐसा तो नहीं कि पेपर मिसप्रिंट हो गया, कहीं गलती है, या पेपर में कुछ खाली भी पड़ा हुआ है, क्वेश्चंस ही नहीं है, तो दूसरा पेपर आप लोग बदल सकते हैं। तो सबसे पहले यही किया करिएगा कि पेपर में कोई कमी तो नहीं है, उत्तर पुस्तिका में कोई कमी तो नहीं है, तो आप लोग याद रखिए। उसके बाद आप देखेंगे 3 से 5 बजे तक आप लोग पेपर देंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे, 2 घंटे का समय इसमें भी मिला हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। पंजीयन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल ऑनलाइन पंजीयन हो रहा है, रोजगार पंजीयन, और एक तरह से उसे ही कहते हैं, या फिर आप लोग देखते होंगे कि आप लोग कलेक्ट्रेट में जाते हैं वहां आप लोग करवाते हैं, तो उसे करवा लीजिए, 2-3 साल के लिए मान्य होता है वो। ठीक है, एक बार करवाइए, 3 साल के लिए आप लोग आराम से देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। अगर आप पेपर देने के लिए जाते हैं, आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड, ये कुछ अनिवार्य होते हैं, इन्हें ले जाना जरूरी होता है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकता है। जब आप लोग पेपर दे सकते हैं, देने जाएंगे, तो उस समय इनमें से कोई एक ले जाना होगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोग पढ़ते रहिए, इसे हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और मोबाइल फोन, ये सामान्य जानकारी है, मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे अच्छे जानते होंगे कि ये सब मना रहता है कि आप लोगों को नहीं ले जाना है। ठीक है, इसमें आगे हम लोग बात करें तो आपके लिए जो जरूरी सूचना है, जी ये आपके क्या है, आरक्षण तालिका है, यानी कि जो पद है आपके इनकी बात की गई है। जैसे आप देखेंगे रेडियो में जिसका दूसरा पेपर पेपर की बात कर रहा हूं उसी की बात कर रहा हूं, कॉन्स्टेबल, यूआर मतलब जनरल, ओबीसी मतलब ओबीसी जन, आप समझते हैं पिछड़ा वर्ग। ठीक है, एससी मतलब अनुसूचित जाति और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। ईडब्ल्यूएस का सीधा सा मतलब है कि जो अभी आरक्षण मिला था 10% सामान्य वर्ग के लोगों को, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो एक टोटल पद है। इसमें आप देखेंगे ओपन में आपके 16 और इस तरह से एक्स रिजर्वेशन 10%, एचजी होमगार्ड फीमेल इस तरह से 38%, कुल मिलाकर यहाँ टोटल 138 हो गई आपकी। ठीक है, इसके बाद अदर देन रेडियो की बात करें, ये रेडियो की वैकेंसी है। इसके बाद आप देखेंगे तो 3862 है कुल मिलाकर आपकी, कुल मिलाकर आपकी पूरी 4000 के करीब है। क्या है, 4000 के करीब है ये। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बताने लायक है, बता दिया कि यूआर मतलब आपका सामान्य वर्ग, ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग, एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, और ईडब्ल्यूएस वही लोग हैं जो आरक्षण मिला हुआ है 10%। ठीक है, आरक्षण जीडी के पदों का वर्गीकरण भी किया गया, फिर आगे उन्हें और विस्तार से बांट दिया गया है। ठीक है, इन्हें भी आप लोग देखते रहिएगा। आगे क्या है आपके लिए जरूरी सूचना, इसे एक बार किया करिएगा कि पढ़ लिया करिएगा, क्या रहता है कि इसमें कम से कम आपको सामान्य जानकारी पूरी होनी तो चाहिए जो आप कर रहे हैं। इसमें आपका दिया गया कि 1 अगस्त 2020 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। एक बात और बताऊं आप लोगों को, कोई भी पेपर होता है तो आपकी 1 अगस्त 2020 से ही लगभग जोड़ी जाती है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी रहनी चाहिए और अधिकतम क्या रहनी चाहिए। तो
तो अगर आप 1 अगस्त 2018 2020 तक, माफ करिए, अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। 33 वर्ष से ज्यादा आपकी वो मतलब इससे आगे नहीं होना चाहिए। अगर आपको छूट चाहिए आयु में, यानी कि आपकी अगर ज्यादा हो चुकी है तो आपको छूट चाहिए, तो आपको मूल निवासी हुई, यानी कि आप अगर मध्य प्रदेश के हैं, आपके पास मध्य प्रदेश का प्रमाण पत्र है, स्थायी प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र, तो आप लोग छूट के काबिल रहेंगे, यानी कि आप लोग ये छूट ले सकते हैं जो भी है। ठीक है, इसमें अगर वेतन की बात करें तो आरक्षण जीडी की बात करें तो 19,500 से 6,000, माफ करिए 62,000, और आरक्षण रेडियो की बात करें 19,500 से 62,000 तक है। ठीक है, याद रखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आपका हो जाए सिलेक्शन। आजकल बेरोजगारी आप लोग देख रहे हैं, कम से कम मिल जाए हर कोई यही सोच रहा है। पर आप देखिए, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती भरे जाने वाले पदों के लिए तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों, राजपत्रित अराजपत्रित कार्यालय के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम वर्ष 33। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय चतुर्थ श्रेणी वर्दीधारी पदों के लिए इसमें 18 वर्ष अधिकतम 33 चाहिए। महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं 21 और 38 इनकी अधिकतम, 21 न्यूनतम, यहाँ भी 18 न्यूनतम और 38 अधिकतम। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी, और आप देख सकते हैं यहाँ अधिकतम इन्हें भी 5 वर्ष की छूट। ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छे से बैठ के आप लोग, आपके पास मोबाइल सुविधा सब तो है लगभग। देखिए, न्यूनतम शारीरिक अर्हता जो फिजिकल होता है उसकी अगर बात करें इसमें, तो आरक्षित जीडी अनारक्षित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष के लिए आप देखेंगे इसमें ऊंचाई 161.68 होना चाहिए सेंटीमीटर, महिला के लिए बात करें तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को आप लोग देखते हैं कि छूट मिलती है। अगर सेना की बात करें तो आपके जो पुरुष हैं इनके लिए 81 सेंटीमीटर और अधिकतम 86 सेंटीमीटर, यानी कि फुलाव में रहता है फूल, महिलाओं के लिए कोई लागू नहीं है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिए। आरक्षण जीडी अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें हम लोग, क्योंकि आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति एसटी ट्राइबल्स जानते हैं आप लोग, आदिवासी, उनकी बात कर रहा हूँ, तो इनके लिए ऊंचाई पुरुषों के लिए 160 रखी गई, महिलाओं के लिए 55 रखी गई है, और पुरुषों के लिए अगर सेना की बात करें तो 76 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए कोई लागू नहीं है। ठीक है, महिलाओं के लिए इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ अभ्यर्थी का सेना फुलाने और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, यही बात की गई यहाँ, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, महिला उम्मीदवारों के लिए सीने की कोई माप का प्रावधान नहीं रखा गया, इसे भी आप लोग याद रखिए। और 10वीं पास मुझे लगता है कि 10वीं रहता है ना इसमें, 10वीं आपको मतलब एक तरह से पास होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या है, आरक्षण जीडी 10+2 यानी कि 12वीं प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति हेतु एक शैक्षणिक अर्हता है, यानी कि अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए अनिवार्य है 8वीं पास, और यही अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु ए मतलब यानी कि 10वीं होना चाहिए। जो मैंने बताया था ना कि आरक्षण रेडियो कुछ ऊंची पोस्ट होती है ऊपर की, तो इस पद के लिए 12वीं पास यानी कि 10+2 प्रणाली के अंतर्गत यानी कि आप देखेंगे 12वीं पास होना चाहिए। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद SCVT से मान्यता प्राप्त ITI के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन तकनीकी टेली कम्युनिकेशन में से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे क्या एक कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, MP में आजकल NCVT करवाने लगा है, पहले आप DCA PGDCA सुनते रहते थे, तो उसी तरह की एक बात की जा रही है इसमें। ठीक है, आरक्षण रेडियो में इसमें एक जरूरी है, और जो सामान आप आरक्षण जीडी की भरेंगे कॉन्स्टेबल, तो उसमें आपको केवल 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये आपकी पद स्थापना की कहां कहां आप जा सकते हैं। ठीक है, और आपका जो वो रहेगा एग्जाम सेंटर, ये सभी जिलों में रहेगा। ठीक है, यहां आप देखते होंगे प्रथम चरण ऑनलाइन परीक्षा, प्रथम प्रश्न पत्र समस्त पदों के उम्मीदवार के लिए, और दूसरा जो प्रश्न पेपर की मैं बात कर रहा था जिसमें अधिक फीस लग रही थी उसकी बात करूं तो आरक्षण रेडियो के उम्मीदवारों के लिए दूसरा पेपर भी देना होगा आपको, पहला
पहला पेपर केवल आप समस्त पदों के उम्मीदवारों यानी कि जो बाकी के हैं, अगर आपको आरक्षण रेडियो में जाना है तो इसमें आपको दोनों पेपर देने होंगे, ठीक है। आरक्षण रेडियो पद के उम्मीदवारों ही तो प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न में पत्र देना अनिवार्य है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान से याद रखिए। वहां फॉर्म भरते वक्त भी आप लोग याद रखिए कि आप लोगों को दोनों पेपर देना है, कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, किस तरह से करना है, ठीक है। द्वितीय चरण शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, प्रथम चरण में मात्र उम्मीदवारों के लिए। एक बात और याद रखिए, पहले पेपर होगा उसके बाद आपका फिजिकल होगा, इस तरह से बात की जाएगी, ठीक है। और इसमें आप बात करें आरक्षण जीडी, प्रथम प्रश्न पत्र समस्त उम्मीदवारों ऑनलाइन परीक्षा होगी और 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 अंक का रहेगा। वैसे बात को तो कर चुका हूं कि 2 घंटे का होगा, लेकिन अधिकतम 100 अंक होंगे, ठीक है। जो अभ्यर्थी आरक्षण रेडियो पद हेतु पात्रता रखते हैं एवं आवेदन करते हैं, उन्हें उपयुक्त प्रथम प्रश्न पत्र के साथ निम्नानुसार द्वितीय प्रश्न पत्र देना होगा। आरक्षण रेडियो द्वितीय प्रश्न पत्र आरक्षण रेडियो के पद के उम्मीदवार के लिए, इसमें ये भी ऑनलाइन परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। मुझे लगता है कि ऑनलाइन परीक्षा काफी अच्छी बात है, आपको स्कोर कार्ड तुरंत मालूम चल जाता है, इसमें आपको गोला लगाने की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखा करिए कि बड़े अच्छे से भरा करिएगा, और ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पेन कॉपी नहीं होगी, वहां पेन कॉपी आपके जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए होगी। तो ये आप लोग बड़ी अच्छी सुविधा है, बस आप लोग कंप्यूटर थोड़ा जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आपके सामने खोल के विंडो दे देते हैं, आपको बस माउस पर हाथ रखना है और टिक लगाते जाना है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा बस माउस को मतलब आप लोग इतना तो कर सकते हैं मुझे लगता है। इस सब को आप लोग पढ़ते रहिएगा, आपके लिए जरूरी है। ये आप देखते होंगे कि दौड़ की बात की जा रही है, वही फिजिकल की मैंने बात की थी ना, आरक्षण जीडी के लिए 800 मीटर दौड़ में सफल होने हेतु समय सीमा दी गई है 2 मिनट 45 सेकंड। 800 मीटर दौड़ना है आपको अगर 2 मिनट 45 सेकंड में। गोला फेंक में सफल होने हेतु तय दूरी की बात करें तो 19 फिट, गोले का वजन होगा 7.260 किलोग्राम, और लंबी कूद में सफल होने हेतु तय होगी 13 फिट। तो ये आपके लिए आरक्षण जीडी के लिए है, और आरक्षण चिड़ी के लिए महिला होमगार्ड के लिए 4 मिनट दिए गए 800 मीटर दौड़ के लिए, और गोला फेंकने के लिए 15 फीट है, और गोले का वजन होगा 4 किलोग्राम, यानी कि महिलाओं को छूट रहती है। लंबी कूद की बात करें तो 10 फीट, इसमें महिलाओं को छूट मिलेगी। अगर पहले से आप सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक, तो इसमें 3 मिनट 15 सेकंड मिलेगा समय आपको, और 15 फीट गोला फेंकने को मिलेगा, गोले का वजन लेकिन उतना ही रहेगा 7.260 किलोग्राम, 10 फीट आपको ऊंचाई मतलब लंबी कूद कूदने होगी। होमगार्ड सैनिक के लिए बात करें तो 3 मिनट 15 सेकंड, 17 फीट गोले का वजन होगा 7.260 किलोग्राम, 12 फीट लंबी वही आपकी कूद की रहेगी, ठीक है। और आरक्षण रेडियो के उम्मीदवारों के लिए बात करें तो ये आपकी देख रहे होंगे, आरक्षण रेडियो समस्त श्रेणी के पुरुष यानी कि जो पुरुष हैं यानी कि मेल हैं उनके लिए बात करें तो 800 मीटर 2 मिनट 45 सेकंड रहेगी। गोला फेंक में सफल होने हेतु तय दूरी की बात करें तो 19 फीट गोले का वजन रहेगा 7.260 किलोग्राम। लंबी कूद की बात करें तो इसमें 12 फीट आपको रहेगी। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो 4 मिनट का समय मिलेगा यानी कि उनके लिए कुछ छूट रहती है। इनके लिए 15 फीट गोले फेंकने की बात रहेगी और 4 किलोग्राम का यानी कि कम आपसे वजन का इनका गोला हुआ, 10 फीट की इन्हें लंबी कूद कूद। भूतपूर्व सैनिक के लिए है 3 मिनट 15 सेकंड, 15 फीट का वो रहेगा फेंकना होगा, गोले का वजन रहेगा 7.260, 10 फीट आपको लंबी कूद। होमगार्ड सैनिक के लिए बात करें तो 3 मिनट 15 सेकंड, 15 फीट गोले का वजन रहेगा 7.260 और 10 फीट लंबी कूद की बात की जा रही है। तो इन सबको आप लोग याद रखिए, और याद रखिए मुझे लगता है कि आप लोगों को दोनों करना चाहिए, कि आप लोगों को फिजिकल पर भी ध्यान देता रहना चाहिए और आपको पेपर पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पेपर निकल गया तो आप समझते होंगे पेपर निकलने के बाद कई लोग रह जाते हैं, तो साथ साथ में आप लोग वो भी करते रहिए, खाते पीते रहिए। और मुझे लगता है कि इतना 24 घंटा नहीं आपको पढ़ने की जरूरत है, अगर 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं आप लोग मन से बड़े अच्छी तरीके से, मोबाइल सोबाइल दूर रख के, अगर मोबाइल से, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसे ही आप लोग नोट्स बना लीजिए, उसके बाद मोबाइल का कुछ दिनों के लिए त्याग कर दीजिए यानी कि मोबाइल को बंद करके रख दीजिए, उसके बाद आप अपने नोट्स से बनाकर आप लोग एक तरह से क्या कर सकते हैं, रिविजन करते रहिए, ठीक है, उसमें देखते रहिएगा तो आराम से हो जाएगा। और शाम के निकल जाया करिएगा घूम भी, वहीं थोड़ा दौड़ लिए, वहीं आप अपने हिसाब से कर लिए, समझ रहे हैं आप।
फॉर्म अच्छा है कि अगर आपके पास सुविधा है तो आप भरवा सकती हैं, और अगर नहीं भरवा नहीं है सुविधा तो आप जाइएगा वहाँ एमपी ऑनलाइन कोई भी खोले होगा वहाँ खुलवा लीजिए, बनवा लीजिएगा। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि गलती ना हो, गलती होने के बाद आपको दोबारा शुल्क लगेगा सुधारने का, मालूम चला कि गलती हो गई फिर लास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो ये भी प्रॉब्लम रहती है। तो आप लोग देखते रहिएगा, और इसका मैं क्या करूँगा इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, और वैसे भी एमपी पीवी पर आप लोग जाएंगे तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसे, और अच्छे से बैठ के आप लोग पढ़ते रहे, ठीक है। 15 दिन का टाइम मिला हुआ है, पेपर की बात की जा रही है, इसके बारे में हम लोग बड़े विस्तार से बात भी कर चुके हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की बात करें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये आपको ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिलेगा। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हर जिले में होना चाहिए एग्जाम सेंटर, क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर हाल छोड़िए, आपका संभाग स्तर पर तो मुझे लगता है होगा ही, ठीक है। भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, किसी को भी डाल देना जो भी आपके पास हो, ठीक है। देखिए आप लोग, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान इसमें 40 अंक का रहेगा, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि 60 नंबर का रहेगा, माफ करिए 30 अंक रहेंगे, और विज्ञान सरल अंक गणित ये आपका 30 अंक का रहेगा। इस तरह से आपका कितना हो गया, 30, 60 और 40, 100 हो गया, ठीक है। एक बात रखिए, सामान्य ज्ञान में आपका एमपी स्पेशल आ जाएगा, एमपी जीके आ जाएगा, और सामान्य ज्ञान जो भी है, इतिहास है, भूगोल है, आपका संविधान है, इकोनॉमी है यानी कि अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है, ये सब आ जाएगा आपका, ठीक है। विज्ञान यहाँ भी पूछी गई है, तो याद रखिए मैं दो काम कर देता हूँ आपके लिए, एक तो सामान्य ज्ञान का, एक एमपी स्पेशल का, पूरा मटेरियल आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिएगा। अगर एमपी स्पेशल में या फिर जीके और जीएस में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें आपका कंप्यूटर साइंस भी शामिल है, आपका विज्ञान, विज्ञान में आप देखते हैं बायोलॉजी है, फिर चाहे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और भी साइंस टेक है, उन सबको हम लोग कवर कर दिया, और बड़े विस्तार से आपका कवर करवा दिया था, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब ये मटेरियल आपको मिलेगा कहाँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, फेसबुक पेज पर मैसेज कीजिए, वहां हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग जाएंगे, इतना है तो आप लोग समझदार हैं मुझे लगता है, जैसे ही आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाएंगे, देखिए मेन पेज पर पहुंचे आप लोग, यहां से जैसे ही आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाएंगे तो आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। अब यूपीपीसीएस के मॉडल पेपर, ये छोड़िए आपके लिए जरूरी नहीं है, अगर आप यूपीपीसीएस की या स्टेट पीसीएस, एमपीपीएस की या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है। देखिए यहाँ जरूरी आपके लिए ये भी हो सकता है, अगर आपके पास टाइम है तो समसामयिक की घटना चक्र, वार्षिक अंक यानी कि इसे भी आप देख सकते हैं, आपके लिए जरूरी है। कई बार आप देखते होंगे कि कब कौन सा डे मनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर भी तो आपसे पूछते रहते हैं, तो इसमें आपके 12 महीने में जो भी दिन होते हैं उन्हें हम लोगों ने कवर करवा दिया था, तो महत्वपूर्ण दिवस के रूप में, इससे एक दो क्वेश्चंस आपके हमेशा आते रहते हैं, तो उन्हें पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद आप जीके जीएस के लिए सबसे बढ़िया बात है कि आप लोग क्विक रिवीजन के नाम से जो आपकी सूची बनी बना दी गई थी उसमें बड़े जल्दी आपको मतलब कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसे भी आप लोग देख सकते हैं, और देखने में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, देखते रहिए आप लोग, देख सकते हैं। यहाँ आपके वन डे एग्जाम के लिए यानी कि एमपी पुलिस जो भी, इस तरह के क्वेश्चन ऑनलाइनर में आते हैं ऑब्जेक्टिव, कि एक लाइन में आपका क्वेश्चन हो गया, उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए, अगर इस तरह के आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए टेस्ट भी है, काफी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ आप लोग अगर स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इसे भी आप लोग खोल कर देख सकते हैं। देखिए किरण सामान्य ज्ञान बुक्स आप लोग कवर कर लें, मुझे लगता है कि लूस एंड से काफी विस्तार में बताया गया है, और इसे कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा, तो आप लोग इसे भी कवर कर सकते हैं, काफी कवर करवाया गया, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। देखिए कंप्यूटर के लिए आपका पूरा कवर करवा दिया गया है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन जाएगा, तो ऐसे भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कवर किया गया था कुछ समय पहले, उसे भी आप लोग देखिए।
देखिए एमपीपी स्पेशल यानी कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो है उससे हम लोगों ने बड़े विस्तार से बात की हुई है, तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिए। और एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कवर किया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई बाहर जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सबको आप लोग देख सकते हैं, लूसेंट भी आपका कवर करवाया गया था और वन लाइनर में भी आपके कई पेपर लगवाए गए हैं, तो यहाँ आप जा लूसेंट में आपकी पूरी कवर करवाई गई है लगभग, तो उन्हें भी आप लोग देखते रहिएगा। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें सूची में, ठीक है, वहां जो भी आपके लिए जरूरी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ जरूरी है, जो भी जरूरी है उस हिसाब से आप लोग कवर कर लें, यहां से करें कहीं से भी कवर करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी यही है आपके लिए कि आप लोग कम से कम अपने पास क्वेश्चन पेपर पुराने रखिए, और दूसरी बात आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सबसे जरूरी क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। और किसी भी बुक से पढ़िए आप लोग, पहले एक बार नॉर्मल पढ़ लीजिए, दूसरी बार जो भी रहता है उसे रटने वाला छूट जाएगा उसे आप लोग रट लीजिए, इतना ही आपको करना है। मैथ के लिए आप लोग आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, और रीजनिंग के लिए आप लोग अरिहंत की बुक ले सकते हैं, या आपको कई क्लास में भी मिल जाएंगी आप लोग सर्च करेंगे, और पीडीएफ के रूप में भी कई आपकी गूगल पर आप लोग सर्च करिए वहां भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और जीके जीएस एमपी ये स्पेशल के लिए मुझे लगता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा पीडीएफ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है कुछ लोग तो वीडियो क्लासेस सब डली हुई हैं, इनमें देखते रहिए आप लोग, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप लोग तो यहाँ से पेज पर जाइए, फेसबुक पेज पर, वहां से हमें बताइएगा, मैं मतलब उसी वहीं से आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे से मेहनत करिए, हो जाएगा। आपको अच्छा शहर मिला हुआ है पढ़ने के लिए, अच्छी व्यवस्थाएं मिली हुई हैं, ये कोई मायने नहीं है। आप अपने घर में भी, मैं तो कहता हूँ गांव वालों को और अच्छी सुविधा होनी चाहिए। चलिए आप लोग एक पेपर खरीद लीजिए, मतलब एक रजिस्टर खरीद लीजिए, दो चार पेन रख लीजिए अपने पास, मोबाइल की सुविधा है, आजकल नेट भी सस्ता हो चुका है, तो जाइए आप लोग अपने खेत पर बैठिए और एकांत में, बढ़िया अच्छा मौसम है, और रजाई ओढ़कर आप लोग पूरे नोट्स बनाइए, और अपने मोबाइल में एक सिलेबस भी डाउनलोड कर लीजिए इसका, मेरा कहने का मतलब है पाठ्यक्रम, और वहां जाकर आप लोग पढ़ते रहिए, ना कोई आपको टोकने वाला है ना रोकने वाला है, क्या कर रहे हैं आप लोग, तो इस तरह से आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। और प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं ना, चलिए अच्छे से मेहनत करिए, बताते रहिएगा जो भी प्रॉब्लम हो।